So, वाकई काफी दिनों के बाद आज हम आपको देख रहे हैं. जब वो दिन होते थे जब हम बच्चे थे और हम देखते थे कसौटी जिंदगी की अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ, लेकिन अभी ये रीरन होने वाला है. क्या कुछ इसमें लाइक सभी जितने भी व्यूअर्स, जितने भी आपके फैंस थे, जितने भी कसौटी के फैंस थे, उनको लाइक एक बार फिर देखने मिलेगा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बड़ा कमाल का एक इक्वेशन है यहाँ कि 20 साल पहले जो शो शुरू हुआ था, 2001 में शुरू हुआ था कसौटी, और अभी 20 साल ने एक्चुअली 21 साल होने आए. तो 21 साल जब मैंने शो शुरू किया था तो मेरी भी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए. तो जाहिर सी बात है कि तब जो लोगों ने शो देखना शुरू किया होगा उनकी शादियां हो चुकी होंगी या हुई होंगी, उनके बच्चे हो चुके होंगे या हुए होंगे. अब सारे बच्चे बड़े हो गए. अब जो बच्चे बड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को याद होगा कि अरे हाँ, ये तो कुछ ऐसा देखा था हमने. कुछ लोग आइडेंटिफाई करते होंगे कि हाँ, यू नो रौनक राय डन मिस्टर बजाज, वेरी पॉपुलर, चलो लेट्स वॉच इट. दैट एंगल इज ऑल्सो देयर. देयर आर सम किड्स हु विल बी लाइक रौनक राय, हु रौनक राय, बिकॉज दे आर द कार्तिक आर्यन, यू नो बैच, टाइगर श्रॉफ बैच, दैट ऑडियंस. रौनक राय, ओ दैट अंकल हु डिड स्टूडेंट ऑफ द ईयर, दैट अंकल. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड रीरन, बट आई एम वेरी ईगर टू नाउ, यू नो, कि पता चले कि जो नई पीढ़ी है वॉट हाउ दे विल रिएक्ट. कि एक पुरानी कहानी आपको बताई जा रही है, एक पुरानी कहानी जहाँ सारे यंग हैं. तो दिस विल बी द ट्रू टेस्ट ऑफ कंटेंट एंड स्टोरी टेलिंग. हाँ जी. हमने बीच हाल ही में देखा था कसौटी 2 भी आया था, लेकिन उसको भी लाइक जितने अभी यंगस्टर्स हैं, जो स्टोरी लाइनअप है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे. लेकिन एक बार फिर जब वो ओल्ड सीक्वेंस आएगा, फिर से रन होने वाला है, तो जिस तरीके का रिस्पांस आने वाला है सभी फैंस का, बिकॉज हम देखते हैं कि अब तक जितने रियलिटी शोज आते हैं सभी के फैन पेजेस बन जाते हैं सोशल मीडिया पर. कीप ऑन डूइंग कमेंट्स, वी वांट टू सी फर्दर व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन. तो क्या लगता है कितना डीएम्स और कितने कमेंट्स आने वाले हैं? देखिए, जो दौर चल रहा है जिसमें हम लोग हैं, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता. हो सकता है ये फिर से बहुत बड़ी हिट हो, ये भी हो सकता है कि लोग कहें अरे क्या जरूरत थी चलाने की. सो बोथ सिनेरियोज आर पॉसिबल. पर पर्सनली स्पीकिंग, मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही घर रन चल रहा है, मेरी माता जी रोज दोपहर को बैठ के देखती है, यू नो, सो शी हैज दिस क्यूरियोसिटी कि मेरा बेटा उस जमाने में कैसा था, मैं देखूं क्या क्या अच्छा. तो अरे बेटा तुमने तो ये भी किया था, तो तुम उस सीन में ऐसा. शी स्टिल डिस्कसेस दैट विद मी. तो ऐसा भी होगा. तो इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं जो इस रीरन का मजा है. तो क्या एक कुछ चीज़ हम बनाते हैं उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि या तो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, या तो उनको ये कैरेक्टर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा. इसमें बहुत सारी पॉसिबल, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं. तो देखते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी कहाँ एक कहाँ जा कर के सेटल होता है. ये कुछ दिनों में पता हमको चली जाएगा. तो लेट्स सी. साथ में हमने देखा कि इसके बाद भी आपने बहुत से अलग अलग किरदार निभाए, जैसे भी आपने कहा कि हाँ वो अंकल ये लाइक ये मूवी में थे, देन अभी रिसेंटली लीजर में भी आपको देखा है. जब इस तरीके का रिस्पांस मिलता है सभी फैंस की तरफ से और ऐसे अलग अलग किरदार करना मिलता है लाइक आप करते हैं, तो कितना लाइक अमेजिंग फील होता है? नहीं यार, वो तो मेरा काम है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चाहूँ तो दिन में 2 शूटिंग कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता, क्योंकि एक 2 तरफ़ा रास्ता है मेरे और मेरे ऑडियंस और मेरे फैंस के बीच. वो मुझे प्यार करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी उन्हें प्यार करता हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ. तो मैं नहीं चाहता कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए मैं काम करूँ और उनको भूल जाऊँ.
मेरी प्रयास ये रहती है कि मैं जब भी काम करूं, वो चाहे काम सक्सेसफुल हो या ना हो, तो पहले से कहा नहीं जा सकता। अगर सबको पता होता तो कोई फ्लॉप फिल्में बनाता ही नहीं। हर कोई मेहनत करता है, हम सब मेहनत करते हैं, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन मेरी प्रयास ये रहती है कि मैं 100% से थोड़ा ज़्यादा उनको अपने हर काम में दूँ, और आज तक ये बात खरी रही है मेरे लिए कि चाहे फिल्म चली हो या नहीं चली हो, मेरा काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, रोल बड़ा हो या छोटा हो, मेरे काम की तौहीन किसी ने नहीं की, ना तो मेरे ऑडियंस ने ना क्रिटिक्स ने। तो बस उतना ही है, सिंपल सा आदमी हूँ मैं, एक काम करता हूँ, सिंपली काम करता हूँ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ करता हूँ, और एक कोशिश रहती है मेरी कि कुछ एक अलग करूँ जो मेरी ऑडियंस को पसंद आए, जो उन्हें भाए, पसंद आना और भाने में बहुत, तो जो उन्हें भाए, उनके दिल तक पहुँचे, और जो जिस शिद्दत से मैं अपनी काम अपना काम करता हूँ, वो शिद्दत उनको महसूस हो, बस। साथ ही अभी हम देख रहे हैं जो आपका दौर चल रहा है OTT पे, बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स मिलते हैं, और OTT भी एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म बन गया है, बहुत से ऐसे ही हमने स्टार्स भी देखे हैं जो बहुत पुराने सीरियल्स एंड टीवीज में थे, लेकिन अब OTT के थ्रू बहुत ईजीली उन्हें काम भी मिल रहा है। आपको क्या लगता है OTT लाइक कितना अच्छा है सभी के लिए? अभी तो OTT बच्चा है। हाँ, 5 साल पहले मैंने जब कहा था, 5-6 साल पहले, कि OTT इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग, तब OTT चल नहीं रहा था, तो लोग बोल रहे थे मुझे कि नहीं अरे क्या बात कर रहे हो तुम, OTT तो बंद हो जाएगा, ये कुछ नहीं चलने वाला इंडिया में, आज आप देख लीजिए। और मैं कुछ महीनों से कह रहा हूँ कि OTT अभी बच्चा है, OTT अभी तो चलना सीखा, अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और चलना सीखा है। यहाँ से तो आगे बहुत बहुत कुछ होने वाला है OTT पर। हाँ, शायद इतने सारे जितने रोज प्लेयर्स आ रहे हैं, ये सब अमेलगमेट हो जाएंगे, ये सब रिस्ट्रक्चर होके वो जो 4-5 दिग्गज जो हैं वही बचेंगे, जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो वैसा हो जाएगा, वो 3-4 बड़ी मछलियाँ बचेंगी, पर वो 3-4 मछलियाँ इतनी बड़ी होंगी कि आपस में कम्पीट करने के लिए वो लोग अपनी क्वालिटी बढ़ाते रहेंगे, अपना बार रेस करते रहेंगे। तो जब आप क्वालिटी बढ़ाते हैं और अपना बार रेस करते हैं, तो काम बहुत अच्छा होता है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतना ज़्यादा अच्छा काम होगा, उतना ज़्यादा बड़ा काम होगा, उतना और काम होगा, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो ये तो मतलब ये फर्स्ट साइकिल अभी OTT का सेटल हुआ है, अभी ऐसे और बहुत बड़े रिपल इफेक्ट है ना, ये और बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो TV भी किया है, साथ ही फिल्म्स भी की है, लाइक अब तक के जर्नी में कौन सी जर्नी लाइक सबसे ज़्यादा, अगर आगे भी करना चाहेंगे तो किस में कंटिन्यू करना चाहेंगे? मेरी तो एक ही जर्नी है मैम, मैं एक्टर हूँ, मेरी एक्टर की जर्नी है, तो वो चाहे TV हो या OTT हो या फिल्म, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किरदार दिया जाता है, कैरेक्टर दिया जाता है जिसे मैं प्ले करता हूँ, वो चाहे कहानी आप 1.5 घंटे में कह लो या 4 घंटे में कह लो या 1 साल भर में कहो, मेरा तो जर्नी एक ही है, मेरी एक ही जर्नी है एक्टर की। जिस तरीके से भी रीरन आपने कहा कसौटी का, सो सभी जितने भी कास्ट थे पहले, आपने सभी के साथ काम किया है, वेदर इट इज लाइक श्वेता जी एंड करण, सो कभी किसी से लाइक बातचीत हुई, जैसे कि रीरन हो रहा है तो सभी वेरी एक्साइटेड होंगे कि अभी टेलीकास्ट होगा एंड सभी फैंस देखेंगे। हाँ, मुझे भी लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए था स्टार को, वो जैसे मैंने एक एपिसोड देखा था फ्रेंड्स का, रीयूनियन हुआ था, तो शायद ऐसा कुछ करना चाहिए था, लेकिन दौर ऐसा चल रहा है कि सब अपने अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, और बहुत कुछ लोग हैं, क्योंकि कसौटी दोनों मिला के कुछ लोग हैं जिनसे मैं टच में हूँ, कुछ लोग हैं जिनसे टच में नहीं हूँ, कुछ लोग हैं जो तभी मुझे लाइक करते थे
वो आज भी मुझे लाइक करते हैं। कुछ लोग हैं जो तभी मुझे बेवजह डिसलाइक करते थे, वो आज भी मुझे बेवजह डिसलाइक करते हैं। तो बस ये दोनों साइड बैलेंस्ड है। तो मैं खुद थोड़ा रेक्लूसिव हूँ, मैं कहीं पार्टी वार्टी में आता जाता नहीं हूँ, खास करके फिल्मी पार्टीज थोड़ा अवॉइड करता हूँ। ठीक है, फिल्मी पार्टीज़ में जाने से फिर सब लोग आते हैं, या टीवी की पार्टी में जाओ तो सब लोग होते हैं, तो वहाँ तो मुलाकात हो जाती है। मुझे 15 साल हो गए मैं किसी पार्टी में गया नहीं, तो थोड़ा सा वो एक ऑटोमेटिक दूरी आ गई है। स्टार्ट में जिस तरीके से आपने बताया कि उस टाइम पे जो लोग देखते थे सीरियल, लेकिन अब तो उनके लिए बच्चे भी होंगे, साथ ही आपके अगर चाइल्ड की अगर बात करें, बच्चों की बात करें, तो अभी वो भी देखने वाले हैं सीरियल, तो लाइक कितना लाइक लगेगा कि एक्साइटेड, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमेशा बच्चे करते ही हूँ आपसे, डैड आपने ये ऐसे एक्ट किया वैसे एक्ट किया। हाँ, अभी तो ये तो तभी पता चलेगा जब ये एयर पे आएगा, और अनफॉर्चुनेटली इसका जो टेलीकास्ट टाइम है वो 2:30 बजे का है, 2:30 बजे मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं, स्टिल इन स्कूल, तो 3:30 बजे तक तो स्कूल में ही होते हैं। तो लेट्स सी कितना देखते हैं, क्या होता है, रिव्यू करेंगे वो या क्या, कैसे देखेंगे, एक बार देखेंगे फिर बातचीत होगी, फिर बताएंगे। सर, आने वाले दिनों में भी और भी कौन से आपके नए प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे, कौन सा एक नया किरदार आपका देखने मिलेगा? मेरी कुछ फिल्में तैयार हैं, ब्लडी डैडी शाहिद कपूर और डायना के साथ, राजीव खंडेलवाल, संजय कपूर, अली अब्बास डायरेक्टर, अली अब्बास अफर, हिमांशु मेरा प्रोड्यूसर, ये फिल्म रेडी है। शहजादा विद रोहित धवन, कार्तिक, कृति, परेश भाई एंड मनीषा कोइराला, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देर इज़ अ फिल्म विद आदित्य रॉय कपूर, सिनेविजन की पिक्चर है, मुराद भाई की, मृणाल ठाकुर, तो वो रेडी है। एक पिक्चर में भी शूट कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं भी बता नहीं सकता, थोड़ा सा हश हश है। तो नेक्स्ट ईयर बड़ा इंटरेस्टिंग लाइनअप है। Let's see what happens. So lastly, any message to the all the masses? Yes, as you have understood and made out by now, that Kasauti Zindagi ke ek baar phir aa raha hai Star Plus pe dopahar 2:30 baje somvar se ravivar. To aap dekhiyega zarur aur batayega mujhe, aapko to pata hai kahan kahan mujhe message bhej sakte hain. तो देखिए, बताइए मुझे, लेट मी नो व्हाट यू फील, आई एम क्यूरियस टू गेट योर रिएक्शन। एंड सेकेंडली, पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा, तो माता जी करें, माता जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके बुजुर्गों पर, आपके बच्चों पर बनी रहे। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव ग्रेट पूजा, लव यू ऑल। थैंक यू।